अब पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना के लिए ई फाइलिंग ई पेमेंट की व्यवस्था को यूनिवर्सल किया जाएगा, लेगेसी रिकॉर्ड जो है उसकी डिजिटाइजेशन की जाएगी, जो केस रिकॉर्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लाइव स्ट्रीमिंग डेटा है, इस डेटा के स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी और सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 4400 ई सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रथम दो चरणों के में अगर आप देखें देश में 18000 से अधिक कोर्ट्स को कंप्यूटराइज किया गया था। पहले फेज में लगभग 640 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जहां पर 14,239 डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को किया गया था। फेज टू में लगभग 1,670 करोड़ रुपया खर्चा है, जहां पर 18,735 डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की कंप्यूटराइजेशन का काम किया गया था। और फेज थ्री के अंतर्गत अगले चार साल में 2023-24 से इसमें कंप्यूटराइजेशन भी, हार्डवेयर भी, नेटवर्क कनेक्टिविटी ये उपलब्ध करवाई जाएगी तथा वादियों और वकीलों को सिटीजन सेंट्रल सर्विसेज उपलब्ध करवाई गई है। मुख्य रूप से केसेस की कॉज लिस्ट हो तथा जजमेंट की प्रति ऑनलाइन प्राप्त कराने की व्यवस्था होगी। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए ई फाइलिंग सिस्टम की सुविधा की प्रारंभ की जाएगी और कोर्ट से संबंधित ऑनलाइन कार्यों के निष्पादन के लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जैसा मैंने कहा, 4400 ई सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। समन और प्रोसेस को ऑटोमेटिकली या इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली प्रारंभ किया जाएगा और ट्रैफिक चलान से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए लिटिगेंट अथवा वकील की उपस्थिति के बिना वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को और आगे बढ़ाया जाएगा तथा लाइव कोर्टरूम स्ट्रीमिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ट्रैफिक चलान के लिए लागू की गई वर्चुअल कोर्ट्स की व्यवस्था को सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 24/7 सेवा के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन का कार्य किया जाएगा। कुल मिलाकर 7,210 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट के एसेट्स के मेंटेनेंस, अपकीप और रिप्लेसमेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को देने के लिए भारत सरकार, हाईकोर्ट तथा राज्यों सरकारों के बीच एक ट्राइपार्टाइट एमओयू भी हस्ताक्षरित करेगी। तो कुल मिलाकर जहां एक ओर से टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन होगी, जिससे जो मुकदमे हैं उसके शीघ्र निष्पादन में मदद मिलेगी, सिविल, क्रिमिनल और कमर्शियल वादों का निष्पादन ग्लोबल बेंचमार्क टाइमलाइंस के अनुसार करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। वी कैन बिगिन विद सम क्वेश्चंस। विल बिगिन 170 देयर। सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज से। जैसा कि आपने कहा कि ये उज्ज्वला कनेक्शन के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं, उसमें पहला रिफिल और पहला और स्टोव का जो खर्च है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां वहन करेंगी, तो ये खर्च कितना होगा इसका कुछ अंदाजा आप दे सकें? और क्या किसी एक घरेलू कंपनी में, फार्मा कंपनी में विदेशी निवेश के प्रस्ताव को ही मंजूरी दी गई है? मैं जहाँ तक ये दोस्त बातें आपके सामने रखी, पहला लगभग 1,650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
So that was, of course, Union Minister Anurag Thakur briefing the media about the cabinet decisions that were taken today, while the cabinet, of course, passed a resolution at the start of the meeting to congratulate Prime Minister Modi on a successful G20 summit. They've also, in fact, approved a scheme where 75 lakh LPG connections are to be released over 3 years for women under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana.